दोस्तों लगभग एक साल पहले इंडिया में हेल्थ आईडी को लॉन्च किया गया था, लेकिन उस वक्त हेल्थ आईडी को कुछ ही स्टेट से बनाए जा सकते थे। लेकिन अब इस हेल्थ आईडी को इंडिया के सभी स्टेट के लिए लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो आप अपना हेल्थ आईडी बना सकते हैं। हेल्थ आईडी बनाने के कई सारे फायदे होते हैं। हेल्थ आईडी में आपकी हेल्थ का सारा रिकॉर्ड होता है, यानी कि आपका क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, आपकी कौन सी मेडिसिन चल रही थी, आप कौन से डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, ये सारा रिकॉर्ड आपके हेल्थ आईडी में ही होता है। इतना ही नहीं, इस हेल्थ आईडी की मदद से आप अपने प्रेस्क्रिप्शन, रिपोर्ट, लैब टेस्ट और डायग्नोसिस को अपने डॉक्टर के साथ डिजिटली और पेपरलेस तरीके से शेयर भी कर सकते हैं और खुद भी आप कभी भी ट्रैक ट्रेस कर सकते हैं। सो, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप आधार KYC से अपना हेल्थ आईडी कैसे बना सकते हैं। सो, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप बिना आधार OTP के अपना हेल्थ आईडी सिर्फ मोबाइल नंबर से कैसे बना सकते हैं। सो, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। उसे आपको अपने कंप्यूटर या आपको अपने मोबाइल में ओपन करना है। आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। हेल्थ आईडी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको क्रिएट योर हेल्थ आईडी पर क्लिक करना है। इस तरह का पेज आएगा। बिना आधार OTP के अपने हेल्थ आईडी को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जनरेट वाया मोबाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। नीचे जाएंगे, आई एग्री को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट को सेलेक्ट करेंगे, फिर इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके इस नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर देकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना कुछ डिटेल देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को इंटर करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना एक PHR एड्रेस क्रिएट करना है। PHR एड्रेस क्रिएट करना बहुत ही आसान है। सिंपली आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपने नाम के आगे कोई भी नंबर लिख देना है, तो आपका एक यूनिक PHR एड्रेस क्रिएट हो जाएगा। इसी PHR एड्रेस को आपको याद रखना है, क्योंकि इस PHR एड्रेस का आपको बाद में ज़रूरत पड़ सकता है। लॉगिन करने के लिए भी आपसे PHR एड्रेस मांगा जाएगा। नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको एक यहाँ पर स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। स्क्रीन पर आपको पासवर्ड का सैंपल दिख जाएगा, ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस देना है। उसके बाद यहाँ से आप अपने स्टेट के नेम को सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आएगी। उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। आपका हेल्थ आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी आपके इस वर्चुअल हेल्थ आईडी पर आपका फोटो नहीं है। अपने फोटो को इस वर्चुअल हेल्थ आईडी पर लाने के लिए आपको यहाँ पर माई अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। आपके सामने प्रोफाइल एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो अपने हेल्थ आईडी में फोटो को अपडेट या चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना नाम चेंज या अपडेट कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना ईमेल आईडी, एड्रेस और यहाँ पर अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को भी चेंज या अपडेट कर सकते हैं। फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक टू अपलोड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप अपने उस फोटो को सिलेक्ट करेंगे जिस फोटो को आप अपने हेल्थ आईडी पर रखना चाहते हैं। आपका वो फोटो यहाँ पर आ जाएगा। नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस हेल्थ आईडी पर फोटो आ गया है। आप चाहें तो अपने इस हेल्थ आईडी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड हेल्थ आईडी पर क्लिक करना होगा। आपका ये हेल्थ आईडी PNG फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके हेल्थ आईडी से लिंक हो जाए और आपके आधार कार्ड वाला फोटो, नाम और डेट ऑफ बर्थ आपके इस हेल्थ आईडी पर आ जाए, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि फिर से आपको अपने हेल्थ आईडी के अकाउंट में अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर माई अकाउंट में आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट KYC वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। नीचे जाएंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके इस आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर देने के बाद आपके इस हेल्थ आईडी पर आपका फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड वाला ही आ जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है नीचे आप मुझे कमेंट करके